press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक स्पेशल एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी को, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी, जो कि हमारे चैनल पे भी इंटरव्यू दे चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त और बेबाक अंदाज से अपना नज़रिया और अपनी बात रखती हैं। और वो जितनी इंडिया में फेमस हैं, उससे कई ज़्यादा वो पाकिस्तान में मशहूर हो रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को आईना दिखाती हैं और मुंह तोड़ जवाब देती हैं। तो इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से वो शोएब चौधरी जी के सवालों का जवाब देंगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। स्पेशल गेस्ट हैं जो कि पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, उनकी बातों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और ऑडियंस की तरफ से बहुत डिमांड रही कि फिर नाजिया इलाही खान साहिबा को लेकर आए, हम उनकी मजीद बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन आज जो हम बातें करेंगे वो तमाम गुफ्तगू से जरा हट के होगी, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, समझते हैं या उन पर सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, भारत माता की जय। बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। ऑडियंस और व्यूअर्स के पसंद पर मुझे बुलाने के लिए थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली, मैं अगर आप मेरी वीडियोस देखती हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं आप देख रहे हैं मेरा और आपका, मतलब ऑडियंस का चैनल। तो ऑडियंस जो चाहती है, जिन लोगों को सुनना चाहती है, डेफिनेटली मेरा ये फर्ज है, ड्यूटी है कि मैं उन लोगों को मजीद उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो टाइम निकालें हमारे लिए। नाजिया जी, मैं पहला सवाल, मतलब मैंने अपने प्रोग्राम का ये असूल रखा है कि जो भी हमारा गेस्ट आता है उनसे मैं पूछता हूँ कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है। यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? नेशन। अच्छा, अभी हम चलते हैं प्रॉपर वीडियो की तरफ। कुछ टाइम पहले जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इंडिया को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दें। और अभी एक दो दिन पहले चाइनीज मीडिया ने इस चीज को दोबारा इस चीज को सेकंड किया है और बोला है कि मतलब इंडिया को चाहिए माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि चाइना सबसे पहले ये बताए कि 2023 में पाकिस्तान की सरकार से कितने गधे खरीदा है ये बताए, और गधे खरीदने और गधे भेजने वालों से के ऊपर ये सब सवाल सूट नहीं करता है और ये सब टिप्पणियां भी सूट नहीं करती हैं। दूसरा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि जो 6 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज पर जो बॉम्ब्ड बाय ओबामा हुआ था, उसके बारे में ओबामा जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को अटैक करने से पहले अपने ग्रीवान में झांक करके देख लेना चाहिए। देखिए, जब इंसान का इतिहास बंद हो जाता है ना, जब उनके पैर से जमीन खिसकने लगती है और उनके पास से चेयर चला जाता है और वो अपने से बेटर किसी को देखते हैं तो उनसे वो हजम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ओबामा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और वो ऐसी बेवजह बेतुके इडियोटिक और नॉनसेंस वो टिप्पणियां कर, और जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहा था उसके बारे में उन्होंने बातों को छुपा लिया है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली। अच्छा, और खास तौर पे चाइना की अगर बात करें और पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्हें ये देखना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, के जो चाइना में मुसलमानों की कंडीशन है, चाइना में उगर मुस्लिम्स हैं, क्या हमारा ये ड्यूटी है कि अगर हमने ह्यूमन राइट पे बात करनी है, अगर हमें मुसलमानों से ज्यादा दर्द है, हमदर्दी है, तो हम चाइनीज मुस्लिम की बात करें
या इंडियन मुस्लिम की बात करें, इंडिया में तो मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद है, शायद पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में मौजूद है। अगर उन्हें कोई इश्यू है भी तो अपनी आवाज खुद उठाना जानते हैं, लेकिन चाइना के जो मुसलमान हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा। और कुछ टाइम पहले नाजिया जी, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मुस्लिम के लिए आवाज उठाई थी, मतलब कि चाइना में जो जो वो जो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी मुसलमानों के लिए, वो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिखाया, और वो भी मोदी जी की गवर्नमेंट में। डेफिनेटली डेफिनेटली, इवन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अब चाइना में जो भी कुरनीतियां और दुर्नीतियां हो रही हैं, या हालिया में जो हमारा हमारे पूरी दुनिया को COVID-19 से जो जूझना पड़ा है, कोरोना वायरस से जो जूझना पड़ा है, तो चाइना वॉज द इंडस्ट्री टू क्रिएट, टू इन्वेंट दैट वायरस ना। तो चाइना का नजर बिल्कुल झुका हुआ रहना चाहिए, एंड दिस इज द रीजन कि चाइना का एक बॉटल खरीदने से पहले भी इंसान डर जाता है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में देखिए, हमें दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज चाहे नॉट आर पाकिस्तान में हो, कॉम्पिटेटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो, तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना, चाइना में तो अजमल मुजाहिदीन जैसी चीजें तो नहीं हुई ना। तो चाइना जो है वो स्मार्टली चीजों को करता है, और पाकिस्तान जो करता है ना, वो देहाती और गधेड़ों की तरह चीजों को सामने लेकर के आता है और खुद के जाल में खुद ही फंस जाता है। आज जिस शरिया लॉ और इस्लामिक देश जो पाकिस्तान खुद को दिखाना चाह रहा है और सबसे किनारा किनारे हो चुका है, सारी दुनिया ने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो मैं उस पर एक एक कोट मैंने निकाला निकाला है कि तुमको अब अल्लाह ही रखे, तुमको अब अल्लाह ही चखे पाकिस्तान, अब तो तुम अल्लाह के हवाले हो। अगर अच्छे हालत में हो तो अल्लाह ने तुम्हें संभाला, और अगर बुरे हालत में हो तो अल्लाह का कहर नाजिल हुआ पाकिस्तान पर। अब फिर से आ जाते हैं हम चाइना पर। चाइना इज नॉट आर कॉम्पिटेटर। पॉपुलेशन में भी अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो हम चाइना से ज्यादा हैं। अगर आप मेड इन इंडिया की चीजों पर जाइएगा तो ऐसा सीन क्रिएट हो चुका है, ऐसे सरकमस्टांसेस आ चुके हैं कि अब इंसान किसी किसी चीज को अगर चाइना के सामान को देख लेता है तो वहीं पर छोड़ देता है कि चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि टिकाऊ नहीं होता है। तो इंडिया से चाइना का कोई तोल और मोल ही नहीं है। अगर चाइना अगर को हम जमीन समझते हैं तो इंडिया को हम आसमान समझते हैं। हालिया में हमने सुना था कि यूएस ने इंडिया मेड इन इंडिया का 5G के लिए उन लोगों का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। उसके बाद फिर अभी यूपीआई के लिए और जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसके एप्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मेड इन इंडिया इज वेरी डेवलप्ड राइट नाउ। और देखिए, ये जो हिजाब पर लोग इतना चिल्लाते हैं और खास करके मुसलमान देश इतना चिल्लाते हैं, ये कॉटन, ये हैंडलूम, ये तांत, ये कहाँ से आया है? ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान का ही तो उपजाया हुआ चीज है, ये तो हिंदुस्तान की चीजें हैं। आप जो कॉटन के कपड़े पाकिस्तान में 3,000 4,000 में खरीदते हैं, हम यहाँ 600 700 रुपए में खरीदते हैं। तो दिस इज आर इंडिया ना, गरीब गरीबों का भी, अमीरों का भी, हर किसी का, हर एक तबके के लिए हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें गरीब भी बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और अमीरों के लिए तो डेफिनेटली अगर टॉप 10 ऑल ओवर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो उनमें भी इंडिया के लोग काफी नजर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस पूरे डिस्कशन को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि नाजिया खान मैम ने एज यूजुअल अपने बेबाक अंदाज से सोहेब चौधरी के सवालों का जवाब दिया और पाकिस्तान को आईना दिखाया, खासकर जब सोहेब चौधरी ने ये इंटरव्यू शुरू किया। और आजकल जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, जो हर पाकिस्तानी यूट्यूबर लोगों से वहाँ पूछ रहे हैं कि आपके लिए पहले देश इंपॉर्टेंट है या मजहब, तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी है वो हमेशा अपने मजहब के यानी इस्लाम को ऊपर रखते हैं अपने देश से। और जब भी किसी भारतीय से ये सवाल किया जाता है, नो मैटर कि वो हिंदू है या मुसलमान है, तो उनका जवाब, खासकर अगर वो सच्ची देशभक्त हो नाजिया इलाही खान मैम जैसी, तो उनका जवाब हमेशा पहले देश आता है। देश है तो वो बाद में अपनी मजहब को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने मजहब को भी फॉलो कर सकते हैं। देश को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी ओर जब उनसे सवाल पूछा गया भारत की माइनॉरिटीज को लेके, थोड़े दिन पहले जब मोदी जी अमेरिका में थे तो ओबामा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि भारत में माइनॉरिटीज पे जुल्म उठाया जा रहा है और ये ठीक नहीं हुआ तो भारत टूट भी सकता है। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से नाजिया खान जी ने ओबामा को और चाइना को ये समझा दिया कि आप लोग हमारी टेंशन मत लो, खासकर ओबामा को जिसने 6 देशों पे, जो 6 मुस्लिम मेजोरिटी देश थे जिसपे बमबारी की थी और वहां पे लाखों करोड़ों मुसलमानों को मार दिया, और चाइना जहाँ पे यूगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जहाँ पे कैंप्स बनाए गए हैं और कई मिलियन मुसलमान आज भी वहां पे जेल में कैद हैं बिना किसी कारण की वजह से, जहाँ पे मस्जिद जो है वो तोड़ी जा रही है और दूसरी ओर ना उनको कुरान पढ़ने दी जाती है ना उनको उनका रिलीजन यानी इस्लाम फॉलो करने दिया जाता है। तो कम से कम चाइना और ओबामा जैसे लोग तो भारत को इस्लामोफोबिया के ऊपर ज्ञान ना दें। लास्ट में आपने देखा कि नाजिया खान मैम ने बात की यूपीआई की और डिजिटल इंडिया की, जिस पे हम सबको गर्व होना चाहिए। अभी हमने थोड़े दिन पहले भी देखा कि रशिया ने भी खुलेआम, खासकर उनके जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि वो मोदी जी को और भारत को कॉपी करना चाहते हैं, खासकर यूपीआई पेमेंट्स को लेके। जी हाँ, जो अब मेक इन इंडिया है अब वो मेक इन वर्ल्ड बनता जा रहा है, ये सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।